सोहा, ये सब कुछ क्या था? ऐसा सब जिंदगी में भी होता है? मेजर ड्रामा। तुम्हारी लाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है ना, है ना? दिन रात तुम इस माहौल में कैसे रह रही हो? तुम्हारा दिल कैसे लग गया है? अच्छा, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। दिल नहीं लग रहा है यार, बस एडजस्ट कर रही हूँ, दैट्स इट। जब गुस्सा आता है ना तो मैं उनको बातें भी सुना देती हूँ, फिर मौसम का ख्याल आता है और फिर चुप होना पड़ता है। लेकिन तुम इन हालात में कैसे रह रही हो? और ये साइको औरतें, इनको कैसे बर्दाश्त कर रही हो? एंड आई कांट बिलीव इट, मोहसिन से सब इतना प्यार करती हैं लेकिन उसकी बीवी की इज्जत तक नहीं कर सकती। अंकल होते ना तुम्हें एक मिनट यहाँ नहीं रहने देते। लेकिन अब वो नहीं है नाजिया, उनकी कोई सपोर्ट हासिल नहीं है मुझे। पता है जब मैं यहाँ आई थी शुरू में, यहाँ का घुटा हुआ माहौल देखकर मैं खुद घबरा गई थी, लेकिन फिर तुमने बोला मुझे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है और मैंने किया। अब ऐसी बातें करके मेरा दिल खराब मत करो यार। और जहाँ तक बात है बाबा की, तो कोई वजह है कि वो यहाँ नहीं है। ये वाला माहौल, ये सब कुछ, वो मेरे लिए ये नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं मोहसिन से शादी करूँ। तो सही चाहते थे ना? क्या यार, आई डोंट मीन टू हर्ट यू, लेकिन तुम देखो ना ये सब कुछ कितना अजीब सा हो गया है। तुम्हारा रूम, ये घर, ये औरतें, मतलब ये सब कुछ, और तुमने ये दुल्हनों वाले कपड़े क्यों पहने हुए? रोज इतना ही तैयार होती हो? नहीं यार, ये सब वक्त ही है। And I really wish किसी तरह मोहसिन की वापस लाहौर में जॉब हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। मुझे कोई शौक नहीं इन औरतों से लड़ने का और उलझने का। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं और मोहसिन यहाँ से बाहर निकल जाए। तुम्हें एक्चुअली लगता है ऐसा होगा? वो मुझे भी बता चुका है कि वो अपनी माँ बहनों से कितना अटैच है, उनको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। वो वहाँ से यहाँ आ जाता था एक फोन कॉल पे, और तुम्हें लगता है ये वियर्ड औरतें उसको जाने देंगी, स्पेशली नाउ नोइंग कि तुम उसकी बीवी हो? श्योर। तो ये औरतें तो उसको मुझसे शादी करने भी नहीं देना चाहती थी। मोहसिन ने की ना मुझसे शादी, वो भी तो मोहब्बत करता है मुझसे। अगर शादी कर सकता है इनकी मर्जी के बगैर, तो और भी बहुत कुछ कर सकता है मेरे लिए। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं। वो अपनी माँ बहनों को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। सोहा, मुझे तो कभी कभी बहुत रिग्रेट होता है, मैंने तुम्हारी मदद ही क्यों की मोहसिन से शादी करने में। अगर ना करती तो तुम इस तरीके से नहीं रह रही होती। तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया है यार। तुम पहले कितनी केयरफ्री होती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, और अब इन छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ और ये सब बातें। व्हाट इज दिस यार? लिसन, आई डोंट केयर अबाउट द लाइफस्टाइल। मैं अगर मोहसिन से शादी नहीं करती ना, तो मैं किसी से भी शादी नहीं करती। मोहसिन उस वक्त भी मेरे लिए परफेक्ट था और अब भी परफेक्ट है। मुझे पता है वो फंसा हुआ है यहाँ पर। उसकी माँ और बहनें एक तरफ हैं, मैं एक तरफ हूँ। कभी कभार मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी उसकी अम्मी को नहीं आती। लेकिन तुम्हें पता है उसकी बेस्ट चीज़ क्या है? वो ट्राई करता रहता है, वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसको सबका ख्याल है, सबकी फिक्र है उसको। ये तो उसकी बेस्ट चीज़ है, एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है। क्या बात है यार, वाह। जैसे तुम्हें समझाना इज इम्पॉसिबल एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस एनीमोर। हम बहुत टाइम बाद मिले, चलो लेट्स गो आउट। अच्छा, मुझे मोहसिन से पूछने दो। पूछना क्या है, मेरे साथ बाहर जाने पे वो तुम्हें मना थोड़ी करेगा। वो उसको बता दो हम बाहर जा रहे हैं। जस्ट लीव अ मैसेज। सुनो, ये बेड तो नया। कैन यू स्टॉप ओवर रिएक्टिंग? निकलो मेरे कमरे से। आई एम जस्ट सेइंग। ये किसके लिए चाय बना रही हो? वो भाभी की फ्रेंड आई है तो उन्होंने बोला चाय बनाने के लिए। उसने तुम्हें बोला बनाने के लिए? मुफ्त की मुलाजमा समझ रखा है तुम्हें उसने अपनी? अभी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उसके मेहमानों के लिए चाय बनाने और उसके आगे पीछे फिरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? चलो उठाओ ये चीजें, चाय बनाएंगी उनके लिए। चलो उठा के रखो ये वापस चीजें, खुद बना लेगी वो। पैकेट में डाल के रखो वापस।
बेवकूफ। वैसे सीरियसली इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी बात सुनो, तुम मोहसिन को लेके अंकल के पास चली क्यों नहीं जाती? आई मीन वो तुम्हें देखेंगे, तुम अपोलोजाइज करना, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। नेवर, आई वुड नेवर डू दैट। मैं उस औरत के सामने अपनी और मोहसिन की इंसल्ट नहीं कराना चाहते। पता नहीं बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट क्या करेंगे, तुम्हारे डैड हैं और वैसे भी वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम उनको बोलती रहती हो। ट्रस्ट मी, मैं उनको तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। थोड़ा सा तो जानती हूँ, लाइक लोगों को ऑब्जर्व करना मुझे भी आता है, थोड़ा सा पढ़ना उनको मुझे भी आता है। और तुम जैन को ही देख लो, कितना डिसेंट है, हम्बल है। एक्सक्यूज मी, ये अचानक से जैन की इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं? जनरली बोल रही हूँ, मतलब बात को इधर से उधर भी। पसंद तो नहीं आ गया तुम्हें वो? तुम्हें ना बेसिकली लगता है जब से तुम्हें और मोहसिन को मोहब्बत हुई है ना, सारी दुनिया को मोहब्बत होती है। ऐसा नहीं है बीबी? हैरत है, मुझसे इजाजत लिए बगैर कहाँ चलेगी वो? इजाजत लेना तो दूर की बात, उसने तो अम्मी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं ये समझती क्या, इसकी नजर में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, बस जो कुछ हो वो तुम ही हो। और आज तो उसने तुमसे भी इजाजत नहीं ली, तैयार हुई, बैग उठाया और अपनी दोस्त के साथ निकल गई। तुम्हारी बीवी दिन ब दिन खुदसर और बदलिहाज होती जा रही है। हमारे घर की बहू बेटियां यूं अब बाहर सड़कों पर दंदनाती नहीं फिरती, बगैर इजाजत घर से बाहर कदम नहीं निकालती। उसे समझाओ, इजाजत लेके घर से निकला करे, और अगर शराफत से नहीं समझती तो फिर सख्ती से समझाओ। हमारी तो खैर उसकी नजर में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हम हैं तो खानदानी लोग, हमारी बेटियों को हमारी इज्जत की परवाह होनी चाहिए। वो उसकी सहेली, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो तो वो लड़की साथ थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, वरना घर से बाहर कदम ना रखने देती मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बात सुनो मेरी, कहां से आ रही हो तुम? कुछ अंदाजा भी है घर वाले कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए? ये क्या तरीका है, बगैर बताए घर से चली गई, जैसे कोई लेना देना ही नहीं आज। कहां की जिम्मेदारी है? सोहा तुम अब अकेली नहीं हो। इतना बड़ा क्या मसला हो गया? नाजिया के साथ गई थी, वो इतने दिनों बाद आई थी इसलिए उसके सब बाहर चली गई, ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। तो इजाजत लिए बगैर क्यों गई तुम? मैंने मैसेज किया था तुम्हें। मुझे तुम्हारा कोई मैसेज नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो, तुम्हें मुझसे फोन करके इजाजत लेनी चाहिए थी, अगर इस तरह लापरवाह होकर जाना। तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं किया, अचानक से क्या हो गया? जो भी है, तुम जहां भी जाओ इजाजत लेकर जाओ, ना सिर्फ मुझसे बल्कि अम्मी से भी इजाजत लेकर जाओ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर काम सबसे पूछ कर करूंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे किसी से इजाजत लेने की आदत नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। ये लड़की तो हाथों से निकल गई है, किस तरह तुम्हें बातें सुना के गई है, सबके सामने जलील करके गई है और तुम खड़े मुंह देख रहे हो? जाओ जाके उससे सख्ती से बात करो, उसे समझाओ कि इस घर में रहना है तो इस घर के उसूलों पर चलना होगा। बताओ जाकर उसे मोहसिन। ये होता है आजाद ख्याल और मॉडर्न लड़की से शादी का नतीजा। ये हमारी इज्जत नीलाम करेगी, शौहर को तो ऐसे टर्टर जवाब देती है। ये होता है मुंह की खाना। अब मोहसिन को पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया इस लड़की से शादी करके। इज्जत तो गई गई, अब पूरे खानदान में जिल्लत होगी हमारी, जब दुनिया वाले ये बताएंगे कि खुर्शीद बेगम की बेटियां तो कभी बाजार में नजर ही नहीं आईं, लेकिन बहू साहिबा रोजाना नजर आती हैं। ये बहुत इतरा रही है ना, समझ रही है मोहसिन को इसने काबू में कर लिया? ऐसी बात नहीं है, मोहसिन इसकी बातों में आने वाला नहीं, तुम देखना सख्ती से निपटेगा इससे। वो अपनी बात का पक्का है और बहुत उसूल पसंद मेरी तरह। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी या मेरे घर वालों की कोई फिक्र नहीं है। जलील करके रख दिया मुझे तुमने सबके सामने। ऐसा क्या कह दिया मैंने? यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ माई मदर,
इससे ज्यादा और क्या तजलील होगी किसी। तुम्हें शॉपिंग पे जाना था मुझे बताती, मैं ले जाता। नाजिया के साथ जाने की क्या जरूरत है? मोहसिन, नाजिया तुम्हारी भी दोस्त है, तुम हम दोनों को ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है, तुम जानती हो मेरी अम्मी पुराने ख्यालात की मानती हैं, उन्हें नहीं पसंद ये सब। तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी अम्मी के उसूलों से गुजारूंगी? मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारी अम्मी से नहीं की। सोहा, शादी के बाद लड़की को ससुराल में एडजस्ट करना पड़ता है। तुम्हारे साथ अब इस खानदान का नाम जुड़ा हुआ, तुम्हें भी वैसी जिंदगी गुजारनी जैसे बाकी से, जैसे तुम्हारी बहनें गुजार रही हैं। आई एम सॉरी, मैं वैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुमने कभी देखा है अपनी बहनों को? तुम हद से बढ़ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी बहनों से इतनी मोहब्बत है ना, तो अपने घर के माहौल को बेहतर करो। मुझे यहाँ पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के माहौल को बेहतर होने की जरूरत है। कभी कभी मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। एग्जैक्टली, तुम्हें उस सिद्रा से शादी करनी चाहिए थी जो तुम्हारी मोहब्बत के गम में घुली जा रही है। सोहा, तुम बहुत दुख देती हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ठीक किया तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताए बगैर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि तुम तो समझती नहीं किसी को कुछ, कुछ भी नहीं समझती। सोहा खुश नहीं है, वो पछता रही है अपने फैसले पर। ऐसा क्यों? मोहसिन का बिहेवियर ठीक नहीं है उसके साथ? नहीं, मोहसिन का रवैया ख़राब नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली का रवैया ठीक नहीं है। उसकी माँ और बहनों ने सोहा को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, तो आपको उसको समझाना चाहिए ना कि हर छोटी छोटी बात पर इतना परेशान नहीं हो जाना चाहिए, और वैसे भी जॉइंट फैमिली में इस किस्म के इश्यूज होते रहते हैं। हैरत मुझे इस बात की है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने एक दफ़ा भी सोचा नहीं। किस बारे में? यही कि मोहसिन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है। अंकल ने कितना समझाया था सोहा, लेकिन वो नहीं माने। खैर, अंकल बहुत प्यार करते हैं उससे, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस कराची में सेट करने का प्लान बनाया। रियली? तो क्या मैं सोहा को बता दूं? नहीं नहीं, अभी मत बताना, अंकल को बुरा लगेगा। ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रुक, बतूल ये बच्चियों की फीस के पैसे रख लो। शुक्रिया मोहसिन भाई। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहा मैं तुम पर। मामू होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। जो फर्ज इनके बाप को अदा करना चाहिए वो आप अदा कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मोहसिन भाई, अब आपकी शादी हो चुकी है, फैमिली आपकी, कल को बच्चे होंगे, उनके खर्चे होंगे, अब कब तक मेरे और मेरे बच्चों के खर्चे उठाते रहेंगे? क्या हो गया तुम्हें? सोहा ने कुछ कहा है तुमसे? अरे नहीं नहीं, खुदा के लिए आप सोहा को बीच में मत लाएं। मैं वैसे ही आप लोगों की लड़ाई की वजह से बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपस में? अम्मी जान शायद ठीक कहती, मैंने सोहा से शादी करके शायद बहुत बड़ी गलती की है। अरे नहीं नहीं मोहसिन भाई, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी इमेच्योर है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। मोहसिन भाई, आप ना अम्मी और आपी की बातों में आके ना अपना घर ना बर्बाद कीजिएगा। आपने कितनी मुश्किलें झेल के ये शादी की है, मोहब्बत करते हैं आप सोहा से इतनी, फिर एकदम से कैसे बेजार हो गए? तंग आ गया मैं रोज रोज की चिक चिक से, मेरी तो जिंदगी में सुकून ही नहीं रहा। प्यार से क्यों नहीं समझाते आप उसे? आप उसे समझाएं कि आप पे सिर्फ उसका हक नहीं है ना, माँ का, बहनों का भी हक है, और वैसे भी जब शादी हो जाती है तो मर्द को अपना प्यार बांटना पड़ता है ना बराबर। कैसे समझाऊं उसे? वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही मुझसे, उसे तो लगता है सारा कसूर मेरा है। पता है मोहसिन भाई, मसला ना यहाँ पे आप दोनों की अनाक है। आप दोनों में से ना कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रही तो आप जाके माफी मांग लें, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे अपना घर तो ना खराब करें ना। अल्लाह हाफिज़।
हेलो हेलो सोहा, जल्दी से घर से बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रियली? अपनी अम्मी, भांजियों, बहनों सबको बोल दिया तुमने? अरे मैं उन्हें क्यों बताऊंगा, तुम आओ ना। क्या मतलब? जी अकेले जा रहे हैं हम। और अगर अम्मी ने देख लिया फिर? देखती है तो देखती नहीं, तुम आओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। कमीज और जबान दराज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे जुमा जुमा 8 दिन हुए शादी हुए और घर में इस कदर की लड़ाई झगड़े शुरू करा दी उसने। ये तो होना ही था सफिया बेगम। चित्रा क्या मुझे पता होता ना बड़े घर की लड़की इतनी बदतमीज होती, तो मैं अपने जैसे किसी घराने से बहू लेकर आती अपनी दोबारा, इसको ना लाती। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बहुत समझाने की कोशिश की थी कि ये लोग जो हैं मुझे मशकूक नजर आ रहे हैं। अरे ये जो नौदौलती होते हैं ये एतबार के काबिल नहीं होते। खुद ही सोचो, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी हमारे तलाक याफ्ता बेटे से ऐसे ही कर दी, कोई तो वजह होगी। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब, एक लम्हा मेरे बेटे की जिंदगी में सुकून का है ही, इस कदर का बदनसीब। पर जहां आ रहा का दिल उसने दो दफा दुखा, शायद उसकी बद्दुआ लगी इसी तरह के। इसमें नसीब की कोई बात नहीं है, मकाफात अमल है सफिया बेगम। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सफिया बेगम, मगर तुम्हारे सर पे तो इंतकाम की आग नाच रही थी। खुर्शीद भाभी को नीचा दिखाते दिखाते तुमने अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। भुगतो, मर्दों का क्या है, दो तलाकों के बाद भी एक से एक लड़की मिल जाती है। अपने जाहिद की मिसाल ले लीजिए, कितनी अमीर लड़की से शादी हुई है, सारा मोहल्ला तारीफें कर रहा है। नाजों के मामले में टाल मटोल से काम मत लीजिएगा, लड़कियों की उम्र निकल जाए तो ढंग का रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे घर में तो कुक ही बनाते होंगे ना सारा खाना? हाँ। अच्छा, क्या क्या बनाना आता था उन्हें? देसी बहुत कम बनता था, वैसे अच्छा खाना बनता था। एक्चुअली मेन्यू सारा बाबा डिसाइड करते थे। याद तो बड़े आते होंगे ना बाबा? हाँ काफी। एक्चुअली शुरू शुरू में अजीब लगता था, आदत नहीं थी, अब तो हो गई है। तो तुमने कुछ सीखा नहीं कुक से खाना बनाना? नहीं, वहाँ कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाबा मुझे किचन में जाने ही नहीं देते थे। इनफैक्ट वो खुद अक्सर मेरे लिए खाना बनाते थे।
सुहा फोन देख लेती हूँ, मेरे हाथ कंधे सब। हेलो हेलो, कौन? मुझे मुझे मोहसिन से बात करनी है। मोहसिन तो अभी घर पर नहीं है, आप कौन बोल रही हैं? वही जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। सोहा, मैं और मोहसिन एक दूसरे को चाहते थे, तो तुम क्यों हमारे बीच में है? क्यों मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी तुमने? सिद्रा, मोहसिन ने आज तक सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की है और वो मैं हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ पे फोन करने का क्या मकसद है, लेकिन कोशिश करना कि दोबारा यहाँ पर फोन करने की हिम्मत ना ही करो। किसका फोन था? अच्छा, तुम मुझे क्या बता रही थी? वो तुम्हारे शेफ को देसी कम बनाते थे, वो तो पास्ता तो बड़ा अच्छा बना लेते होंगे ना? जी, बना लेते थे। आप ये देख लेंगी? मैं आ रही हूँ। हाँ, पूरा बनाया भी नहीं। सोहा, किसका फोन था? कोई लड़की थी, मोहसिन का पूछ रही थी। कौन लड़की? सिद्रा। सिद्रा कैसे हो सकती है? उसे पता है कि मोहसिन भाई को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वो ही थी, वो कई बार मोहसिन के मोबाइल पर भी फोन कर चुकी है पहले। हमें तो मोहसिन भाई ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप परेशान मत हो, इसका कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा और वो मैं खुद निकालूंगी। हाँ, वो सिद्रा अभी तक हाथ धो के मोहसिन भाई के पीछे पड़ी हुई है। अजीब जलालत की इंतहा कर दिया ना इस लड़की ने। खुद तो अपने भाई को लड़की दिखा के शादी करवा दी और खुद कमारी बैठी हुई हमारे भाई की जिंदगी अजाब करने के लिए। तो मुझे मोहसिन ने बताया क्यों नहीं? किसके डर से बात दिल में दबाए बैठा है? पता नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, भाई के नंबर पे 2-3 दफा कॉल भी कर चुकी है वो। तौबा, क्या जमाना आ गया, हद हो गई बेशर्मी की। शुक्र है मैंने अपनी लड़कियों की ऐसी तरबियत नहीं की। अम्मी, हो सकता है कि मोहसिन भी उससे रابطے में हो। मोहसिन वही चाह रहा हो जो वो चाहती है। आप ही, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर मोहसिन भाई को उसमें दिलचस्पी होती तो वो रिजेक्ट ही क्यों करते? मोहसिन भाई बहुत शरीफ है और इस किस्म की घटिया हरकतों की तवक्को ना सिर्फ फूफो की औलाद से ही की जा सकती है। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग हमसे, खुश नहीं देख सकते हमें। अम्मी, आजकल के मर्दों का कोई भरोसा नहीं। शादी किसी से, शादी के वादे किसी और से, दोस्ती किसी और से। अगर मोहसिन हमसे छुपके कोर्ट मैरिज कर सकता है तो वो ये सब भी तो कर सकता है। और वैसे भी हम सब देख तो रहे हैं कि सोहा और मोहसिन के बीच में दरारें पड़ रही हैं। अच्छा है अगर कल को सोहा इस घर से चली जाती है तो मोहसिन पहले से इस लड़की को समझ जाए। अभी तुम किस किस्म की बातें कर रही हो मोहसिन भाई के बारे में? और वो लड़की जाहिद की बहन है, तुमसे सोहा बर्दाश्त नहीं हो रही, वो कहां से बर्दाश्त होगी? नहीं, मेरा मोहसिन ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसकी तरबियत मैंने की है। मैं करती हूँ सफिया से बात, रोके अपनी लड़की को, वरना मैं सारे खानदान में बदनाम कर दूंगी उसे। हद हो गई बेशर्मी की। वो सिद्रा अभी तक हाथ धो के मोहसिन भाई के पीछे पड़ी हुई है। अजीब जलालत की इंतहा कर दिया ना इस लड़की ने।
खुद तो अपने भाई को लड़की दिखा के शादी करवा दी और खुद कमारी बैठी हुई हमारे भाई की जिंदगी अजाब करने के लिए। भाई के नंबर पे 2-3 दफा कॉल भी कर चुकी है वो। गुड कॉफी। मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैं लड़ना नहीं चाहती, सो आई एम जस्ट आस्किंग यू। पूछो। तुमने कभी उस लड़की का दिल तो नहीं दुखाया था? आई मीन कुछ झूठे वादे कुछ भी? ओह माय गॉड, ये सिद्रा का जिक्र फिर कहाँ से आ गया अचानक? मैंने सिद्रा तो नहीं कहा। तो और कौन सी लड़की है मेरी जिंदगी में जो? मतलब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में सिद्रा है? सो आप प्लीज बात को मत कहो, तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं मैं नहीं जानती, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उससे? कजन है वो मेरी, बस यही है। कजन है इसलिए शादी करने बैठ गए थे? कोई तो वादा किया होगा ना जो बात शादी तक पहुंच गई, इतना क्यों तड़प रही है वो तुम्हारे लिए? यार तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यार? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उससे। मैं तुम्हारे किसी स्टूपिड सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो बार बार फोन क्यों करती है तुम्हें? पागल है वो, दिमाग खराब है उसका इसलिए करती है। और तुम क्या मुझे यहाँ बुला के कॉफी पिला के इस तरह की बातें करके सारा मजा खराब कर रही हो? कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच में, एतबार नहीं क्या मुझ पर? है मगर। मगर क्या, इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? भाई अगर मुझे उसे अपनाना होता तो मैं पूरे खानदान से टक्कर लेता क्या तुम्हारे लिए? तो मैंने तुम्हारे लिए कितने लोगों को अपसेट किया यार। और फिर तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और लड़की को चाहने की क्या जरूरत है? मेरी इतनी मजाल, प्लीज ये सारे शक अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। सोने जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ, कम ऑन। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है तो ऐसा करो, तस्वीरें भेज दो कुछ घर की, मैं आलिया को दिखा देता हूँ, अगर आलिया को पसंद आ गया तो हम आज ही कुछ फाइनल कर लेंगे। हाँ ठीक, ओके। जैन ने क्लिफ्टन में घर देखा है, कह रहा है बहुत अच्छा है, तस्वीरें भेज रहा है अभी। अच्छा फिर हम कब शिफ्ट होंगे वहाँ? अगर तुम्हें पसंद आ गया तो इसी हफ्ते हो जाएंगे। इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब कुछ? अरे तो तुमने क्या करना है, जैन है ना। वैसे बहुत खुश होगी ना सुहा जब उसे पता चलेगा कि हम भी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा उसे। क्या हुआ? अच्छा चले आप लें तो सही, प्लीज। Thank you.
अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, 11 बज रहे हैं, 10 बजे जाता है मोहसिन ऑफिस। पता नहीं बेचारी की किस्मत में क्या लिखा है, सारा कुछ फैला के काम किया है, काम नहीं करती है, एहसान करते हैं। उसने मुझे मैसेज किया है, यार ना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सिंगो मैसेज करो, कॉल करती हूँ डायरेक्ट। मोहसिन तुम्हारा नाश्ता रख दिया है। हेलो मोहसिन, मोहसिन सित्रा बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना? मोहसिन मुझे तो यकीन ही नहीं आया आपका मैसेज पढ़कर, 10 बार पढ़ा तो जाके दिल को तसल्ली हुई कि आपने भेजा है। उसे मैं बता नहीं सकती कि मैं आज इतनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। उसे मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर आप मुझे इतना चाहते थे, मैं आपको इतनी अच्छी लगती थी, तो आपने क्यों मुझे ठुकरा के सोहा से शादी की? अच्छा चलिए छोड़ें, क्या इन बातों को अब करना, देर से सही, पर आपको एहसास तो हुआ कि आप दिल ही दिल में मुझे कितना चाहते हैं। किससे इजहारे मोहब्बत कर रही हो? इजहारे मोहब्बत मैं नहीं, तुम्हारा अपना शौहर कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही उसने मुझे मैसेज किया, यकीन नहीं आता तो जाके खुद पूछ लो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, किसका फोन? तुम्हारी बचपन की मोहब्बत, वो कह रही थी तुमने मैसेज करकर उससे इजहार मोहब्बत किया है। क्या हो गया यार तुम्हें? अभी तक मुझे शक था इस बात पर, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है मोहसिन कि तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है। बकवास बंद करो अपने यार, मुझे सुबह सुबह शुरू हो गया। मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका सीधा सीधा जवाब दो, तुमने उसको मैसेज किया है? मुझे नाश्ता करने दो आराम से, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना मोहसिन उससे, इतने दिनों से तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मोहसिन, डिड यू मैसेज हर और नॉट? देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैसेज करके डिलीट भी कर दिया है, दिस इज डिसगस्टिंग। मेरे पास तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। वो लड़की पागल तो नहीं है कि वो बार बार कॉल किए जा रही है, मैसेजेस कर रही है? मैं इतने दिन से तुमसे ये सवाल कर रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। ये क्या तूफान है बदतमीजी है सुबह सुबह? देखा आपने अम्मी कितनी जोर जोर से चिल्ला रही है, बेचारा मोहसिन, मुझे पता था ये शादी ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं देखती हूँ जरा। अब आएगा मजा सोहा बीबी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी।
तुम्हें मोहसिन की जिंदगी से निकाल कर ही चैन का सांस लूंगी मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे भाई की जिंदगी पर बात कर रही है तुम्हारी भाभी।